हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरट। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणि पद्मे हम। सो आई एम बैक हियर विद अनदर पिक अ कार्ड रीडिंग फॉर ऑल ऑफ यू। और ये जो रीडिंग है ना, ये थोड़ा सा अलग तरीके का रीडिंग है। इसमें क्या है ना, इसमें वैसे तो मैंने थंबनेल में ही बता दिया, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बताऊँगी आपको डिटेल में। ये रीडिंग है उन लोगों के लिए जिन लोगों की फ्रेंडशिप हुई है, ऑनलाइन फ्रेंडशिप, लाइक फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप से, ठीक है। और वो ये जानना चाहते हैं कि उनका जो फ्रेंड है वो सिर्फ उनको फ्रेंड ही मानता है या कुछ ज़्यादा, ठीक है। थोड़ा टॉपिक हटके है, और मुझे आज तक किसी ने डिमांड भी नहीं किया कि मुझे ऐसा रीडिंग चाहिए, मुझे इस पर्सन के बारे में ऐसा कुछ जानना है। लेकिन कल कुछ दिन पहले तक मैं अपने एक ग्रुप में थी, और वहाँ पर मुझे मेरी एक फ्रेंड ने पूछा कि मुझे कैसा फ्रेंड मिला है, और मुझे समझ नहीं आता कि सिर्फ फ्रेंड ही मानता है या फिर कुछ और भी हैं, फीलिंग्स उसकी जो हैं डेवलप हो रही है मेरे लिए। तो उसकी बात सुन के मुझे ये लगा कि हाँ, ये क्वेश्चन तो कई सारे लोगों के मन में होगा कि हाँ, मुझे ये फ्रेंड मिला है तो एक्चुअली फ्रेंड ही है या कुछ उससे ज़्यादा है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे एक रीडिंग रखनी चाहिए इस पर। तो आई होप आप लोगों को पसंद आए। अगर आती है तो प्लीज़ लाइक करिए। मैं जानती हूँ कि शायद ज़्यादा लोग नहीं भी देखे ये वीडियो, लेकिन हाँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो देखना चाहते हैं, तो मैंने बस बनाया। और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल, और अगर ऐसा कुछ है तो मुझे कमेंट में भी बताइएगा। आप सभी लोगों के कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ। एंड हाँ, एक चीज़ मैं और कहूँगी कि जो भी आप लोग कमेंट्स करते हैं, हो सकता है कभी मुझसे कोई कमेंट छूट जाए, मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊँ या लाइक नहीं कर पाऊँ, सो उसके लिए प्लीज़ मुझे आई एम सो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स होते हैं और फिर इतना टाइम नहीं मिल पाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि स्किप भी हो जाता है। तो आप सभी लोगों के कमेंट्स मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। आप लोग वीडियो देखते हो, इतने कमेंट करते हो, लाइक करते हो, थैंक यू सो मच। एंड उसके बाद ही मैं आप लोगों से बस माफ़ी मांगूंगी कि अगर मुझसे छूट जाता है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। आप सभी लोग मेरे लिए एक समान हो, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी का लाइक किया, किसी का छूट दिया। बाय चांस ही ऐसा होगा, बाय मिस्टेक ही होगा कि छूट जाएगा। ओके, सो एंड थैंक यू सो मच मेरे वीडियोज़ लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए, और मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए, थैंक यू सो मच। सो चलिए अब शुरू करते हैं, बहुत बातें हो गई हाँ। तो ये मैंने तीन पाइल्स रखे हुए हैं। ये है पाइल वन, ठीक है, देख लीजिए पास से। ये है पाइल टू एंड दिस इज़ द पाइल थर्ड। तो देखेंगे कि आपका जो फ्रेंड है उन्हीं के लिए है, जो मेल फ्रेंड्स हैं। ओके, तो देखते हैं, तो इससे शुरू करते हैं। मैं आपके सामने ही कार्ड निकालूंगी। ओके, सो ये है बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, दिस इज़ द सन, दिस इज़ द मून। चलो देखते हैं, मुझे कुछ आ रहा है इसको देख के दिमाग में, लेकिन मैं कार्ड निकालने के बाद ही बताऊंगी। चलो ठीक है, देखते हैं। तो एंजल्स जिन्होंने ये पाइल वन चूज़ किया है, और वो जिसके भी बारे में सोच रहे हैं, मुझे प्लीज़ हेल्प करिए, बताइए कि वो पर्सन इनके बारे में क्या सोचता है। ओके, चलिए देखते हैं। ओह, अरे वाह, ठीक है। मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं कुछ बोलूं। अब मैं बताती हूँ, मैं मुझे क्या लगा था देखकर ये कार्ड बताती हूँ। देखिए, यहाँ पर ये मून है, यहाँ पर ये सन है। तो मैं ये कहने वाली थी कि पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे आप लोग ट्विन हो।
ठीक है, ये मैं बोलने वाली थी, लेकिन मैंने फिर सोचा कि चलो पहले कार्ड निकालते हैं, और देखो कार्ड्स भी वही, कार्ड में भी वही आ गया। ठीक है, तो हो सकता है आपका जो फ्रेंड आपको अभी अभी मिला है वो आपका ट्विन है, और आगे तक आपकी जर्नी जाए। किंग ऑफ कप्स, यानी कि अभी तक कुछ नहीं कहा, तो इसीलिए तो आप देख ही रहे हो, काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन कहानी है, होल्ड करके रखा है। ओके, किंग ऑफ वांड्स। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे होता है, लाइक मैंने ये कार्ड देखा और जो चीज़ मुझे लगी वही सामने आ गई, एंड द जस्टिस। ओके, ओ टेन ऑफ सॉर्ड्स एंड ओके फोर ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो जिन्होंने पाइल वन चूज़ किया है, जिनके भी बारे में वो सोच रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पर्सन है, मैं अभी क्या कहूँ, आप देख सकते हो, ठीक है। आपको बहुत प्यार करता है, ठीक है, ये दोनों ही कार्ड्स बताते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। कहानी है, आपको फील भी नहीं होने दिया होगा, इस तरीके से बिहेव करते होंगे कि आप जो कहते हो उस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता, और इसीलिए तो आप रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, उन्हीं के लिए ये रीडिंग है, जिनको बिल्कुल पता ही नहीं है कि सामने वाला इस तरीके की कोई फीलिंग रखता है, ठीक है। सो मैं पहले ही बता दूं, लेकिन अंदर ये है, देखिए दो कप्स लेके ये बैठे हैं, और जो कप्स हैं वो हमेशा इमोशंस को दिखाते हैं, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, लेकिन नहीं कहा है। जब वो आपको देखते हैं तो उन्हें ये लगता है कि अरे ये तो बिल्कुल वही है जो मैं हूँ, ठीक है, और इसको तो ईश्वर ने ही मुझसे मिलवाया है, ऐसी वाली फीलिंग आती है जब वो आपको देखते हैं। मतलब उन्हें क्या लगता है कि जैसे वो अपने आप को एक मिरर में देख रहे हैं जब वो आपसे बातें करते हैं। हो सकता है आपकी बातों का जवाब नहीं देते हों, आपको कभी कभी रिप्लाई भी नहीं करते हों, और इस तरीके की चीज़ें रहती हो, तो आपको ये भी ना लगता हो कि ये मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, ठीक है। कभी कभी ये भी चीज़ें आ जाती हो कि मैं ही फ्रेंडशिप कर रही हूँ, ये समझता भी है फ्रेंड या नहीं समझता है, या समझती भी है फ्रेंड या नहीं समझती है, लेकिन यहाँ तो बहुत ज़्यादा है, सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ये देखिए किस तरीके से ये देख रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखिए किस तरीके से देख रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज़ और भी देख पा रही हूँ इस कार्ड के थ्रू कि काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है। एक्चुअली ये कार्ड मुझे समझ आ रहा है कि क्यों आया है, ये कार्ड इसलिए आया है क्योंकि कहीं ना कहीं इनके दिल में ये है कि मैं इसको बोल दूँ कि आप सिर्फ मेरे फ्रेंड नहीं हो, मैं फ्रेंड से ज़्यादा आपको समझता हूँ, समझती हूँ, लेकिन फिर इन्हें यही लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको जज कर दें और फिर आप इनको छोड़ दें, क्योंकि उनको क्लियर नहीं है कि आप क्या फील करते हो। ओके, ये चीज़ इनके दिमाग में चलती है क्योंकि इन्हें ये लगता है कि आप वो करते हो जो सही है। हो सकता है मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है कि आप ऑलरेडी किसी से कमिटेड हो, या हो सकता है आप मैरिड हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, और इसीलिए ये खुलकर आपसे कोई बात नहीं कह रहे, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर ये आपसे कहेंगे तो सामने से हो सकता है उनको रिजेक्शन मिले, हो सकता है इनकी डांट पड़ जाए, हो सकता है दोस्ती ही ख़त्म हो जाए। और देखिए बॉटम ऑफ द डेक जो था, मैंने दिखाया नहीं था, फाइव ऑफ पेंटिकल्स का है, तो सीधी सी बात है कि हो सकता है इन्हें लग रहा हो कि जस्ट अ मिनट, ये देखिए एम्प्रेस का भी कार्ड है इसके नीचे, तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो लोग हैं, या तो आप लोग मैरिड होंगे या फिर आपका कमिटमेंट होगा, सो इस वजह से ये खुलकर आपसे बात नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपको, ठीक है। एक चीज़ मुझे और भी लग रही है कि ये देख पा रहे हैं कि आप बहुत ही सख्त हो, मतलब अगर आप किसी से कमिटेड हो और अगर आपने इस तरीके की बात इनसे सुन ली, तो ये आप जो हो ना, बहुत जल्दी डिसीजन लेने वाले हो कि ठीक है आज से ये फ्रेंडशिप कट। ओके, ये उनके लिए है जो कमिटेड है, क्योंकि ये जस्टिस का कार्ड है, यहाँ पर ये एम्प्रेस का कार्ड आया था, ऑल राइट, तो इसलिए मैंने कहा कि जो दो लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है, पूरा जो भी मुझे दिख रही है कि स्टोरी, वो दो लोगों के लिए दिख रही है, एक उनके लिए जो ऑलरेडी कमिटेड हैं या शादीशुदा हैं और उन्होंने किसी से फ्रेंडशिप करी है, क्योंकि हो सकता है उनका जो रिलेशनशिप उनके पार्टनर से अच्छा नहीं चल रहा है, तो सिर्फ आपने फ्रेंडशिप करी कि ठीक है इस दौरान मुझे क्योंकि एक फ्रेंड की ज़रूरत है, तो फ्रेंडशिप करते हैं और थोड़ा यू नो
डिस्ट्रैक्ट करेंगे माइंड माइंड को अपने, और थोड़ा अच्छा फील करने के लिए। ओके, आपने फ्रेंडशिप करी लेकिन कहीं ना कहीं उनको आपसे प्यार हो गया है, तो इस दौरान उनको क्या है ना कि वो चाहकर भी आपको बता नहीं सकते। ओके, और चाहते तो हैं लेकिन वही चीज़ है कि अगर आप मैरिड हो, अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हो किसी से, या फिर आप किसी के साथ में सेपरेशन में हो, जिस जैसे कि ये वाला कार्ड मैंने देखा है, तो हो सकता है आप सेपरेशन में हो और आप ऐसी एक स्थिति पर पहुंच गए हो कि आपके मन में है कि मुझे अब कमिटेड होना ही किसी से नहीं है। ठीक है, ये उनके लिए भी मुझे लग रहा है कि आपने जैसे सोचा है कि मुझे किसी से कमिटेड होना ही नहीं है। और अगर किसी ने मुझसे ये कहा कि रिलेशनशिप में आना है, शादी करनी है, मैं छोड़ दूंगी, ठीक है, तो ऐसी वाली चीज़ें भी हैं, तो ये भी एक रीज़न है। दूसरा मुझे क्या समझ आ रहा है कि हो सकता है ये खुद मैरिड हों और आपसे ये बातचीत करते हैं, और बातचीत करने के बाद में आपसे इनका दिल लग गया, लेकिन क्योंकि ये मैरिड हैं और इनका हो सकता है डिवोर्स चल रहा हो, ठीक है, या फिर ये डिवोर्स हो चुका हो और ये अपने हो सकता है इनके बच्चे हों, ठीक है, तो उनको लेकर ये काफ़ी केयरिंग है, तो ये नहीं सोचते हैं कि कभी ये शादी करेंगे। मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है एज का काफ़ी डिफरेंस हो, आप काफ़ी छोटे हों इनसे। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनके लिए मैं कह रही हूँ कि आपका फ्रेंड मैरिड है, ठीक है। अगर आपका फ्रेंड मैरिड है तो मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है आप इनसे उम्र में छोटे हों, इनकी अपनी फैमिली है, और हो सकता है इनका डिवोर्स चल रहा हो या हो गया हो, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में है इसलिए आपसे नहीं कह पा रहे। दूसरा सिनेरियो मुझे लग रहा है कि जहाँ पर आप मैरिड हो सकते हैं इस वजह से ये आपसे नहीं कह पा रहे। और अगर मैं उन लोगों के लिए कहूँ जो ना मैरिड हैं, ना डिवोर्सी हैं, ना कुछ भी है, जस्ट मिले हैं ऐसे ही, तो उनका आपको सामने से ना बोलने का मतलब ये है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप काफ़ी सख्त हैं, ठीक है। और ये चीज़ मुझे अभी भी लग रही है कि आपने कहीं ना कहीं उनको बताया होगा कि आप किसी को प्यार करते हैं, किसी के साथ में हैं रिलेशन में, अगर नहीं है तो प्यार करते हैं, ठीक है, तो ये वाली चीज़ उनको मालूम है और जिसकी वजह से वो खुलकर आपसे बात नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये तीन सिनेरियोस मुझे दिखे हैं जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए हैं। मैं फिर से बता देती हूँ कि एक तो ये उन लोगों का हो सकता है जिनमें आपका जो फ्रेंड है वही मैरिड है या डिवोर्सी है, डिवोर्स चल रहा है उनका, ये सब चल रहा है, तो वो आपको पसंद तो करते हैं, आपको प्यार तो करते हैं, लेकिन आपसे खुलकर नहीं कह रहे। ओके, आप कभी उनसे अगर प्यार से बात करती भी होंगी तो वो कोशिश यही करते होंगे कि इस तरीके से दिखाते होंगे कि अरे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या कर रही हो क्या नहीं कर रही हो, ठीक है। दूसरा मुझे उन लोगों के लिए लग रहा है जहाँ पर आप मैरिड हैं, आपका कुछ इशू चल रहा है, ऑलराइट, और इसलिए ये आपको प्यार करते हैं लेकिन आपसे कह नहीं पा रहे, ठीक है, आपकी फैमिली की वजह से, आपके मैरिज की वजह से। और तीसरा जो मुझे लग रहा है वो ये है कि इनको पता है कि या तो आप कमिटेड हो, आपने खुद इनको बताया होगा कि या तो मैं कमिटेड थी या मैं किसी से प्यार करती थी, वो मुझे छोड़कर चला गया और अभी मुझे रिलेशनशिप में नहीं आना, और कोई भी मुझसे रिलेशनशिप का कहेगा देन मैं फ्रेंडशिप ख़त्म कर दूंगी। ओके, यस, चलिए इनके एनर्जी ओरेकल से भी मैं देखूंगी कार्ड्स क्या हैं, लेकिन बात यहाँ पर चल रही थी कि वो सोचते क्या हैं आपको लेकर, ठीक है, मेन पॉइंट ये था जानने का कि सोचते क्या हैं, तो सोचने के लिए मैं क्या बताऊँ, सब कुछ है सामने। बहुत प्यार करते हैं आपको, अपना मिरर इमेज की तरह देखते हैं आपको, इस तरीके से देखते हैं कि आप लाइफ में जो भी करेंगी ना वो सही करेंगी, चाहे वो करने में आपको कितना ही दर्द क्यों ना हो, कितनी ही तकलीफ़ क्यों ना हो, लेकिन आप चूज़ वही करेंगी जो सही होगा। आप टाइम लेती हैं सोचने में, समझने में, उसके बाद आप स्टेप्स लेती हैं आगे, यूँ हड़बड़ाहट में कोई काम नहीं करती हैं, बहुत ही लविंग नेचर की हैं, लेकिन प्रैक्टिकल भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये इनकी सोच है आपको लेकर, और कहीं ना कहीं ये इनकी जो सोच है इन्हें ओवर थिंकिंग इनको करवा देता है, ठीक है ना, कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे किसी एक्शन की वजह से कोई रिएक्शन हो जाए और ये जो रही बची फ्रेंडशिप है ये भी चली जाए, तो इस तरीके की चीज़ें इनको चलती हैं माइंड में जब ये आपसे बात करते हैं। इस एक पाइल में तीन तीन चार चार सिनेरियोस मुझे देखने को मिले हैं, सो मुझे बताइएगा कि आपके साथ कौन सा रेजोनेट किया है
एंड और एक चीज़ है कि सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, ठीक है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा क्योंकि ये जर्नल रीडिंग होती है। और दैट्स इट, जहाँ तक मुझे जो पूरा लग रहा है ना, यहाँ पर जो मेल जो है, जो आपका फ्रेंड जो है, वही चुप होके बैठा है। ये दो दो कार्ड मुझे ऐसे मिले हैं, डिसीट देखिए खुद गिरा है ऐसा कार्ड, ठीक है। जो भी सीक्रेट्स हैं इन्होंने छिपा के रखे हैं आपसे, जो फीलिंग्स हैं छिपा के रखी हैं इन्होंने, ठीक है ना। आपके सामने कार्ड गिरा है, मैंने तो निकाला भी नहीं, वो खुद ही निकल पड़ा, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए क्या है, एंजाइटी। तो इस वजह से काफ़ी टेंशन में भी रहते हैं कि अगर मैं इस तरीके का बिहेवियर नहीं रखूँगा, अगर मैंने बोल दिया तो पता नहीं क्या हो, है ना। और देख लेते हैं कार्ड्स और क्या हैं। टाइड अप है ना, मैंने कहा था ना कुछ कुछ लोगों का तो ऐसा है इनडिसीजन, देख लीजिए ऐसे ही कार्ड्स आ रहे हैं लगातार। तो वही मैंने कहा कि ये टाइड अप से पता चल रहा है कि कोई ना कोई किसी तरीके के कनेक्शन में है, या तो आप कमिटमेंट में हैं या मैरिड हैं, या वो कमिटमेंट में है मैरिड हैं, डिवोर्स चल रहा है, कुछ क्लियर नहीं है, और यही सारी मजबूरियाँ हैं जिसकी वजह से ये इनडिसीजन वाला देखिए आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से खुलकर वो अपने जो भी चीज़ें हैं वो कह नहीं पा रहे, ठीक है। डिसीट, ओके, जो भी मन में है वो मन में रखे हुए हैं, सामने दिखा कुछ रहे हैं लेकिन अंदर चल कुछ और रहा है। तो ये था रीडिंग। तो आप अगर कंफ्यूज थे इनको लेकर कि एक्चुअली इनके मन में क्या है, ये मुझे सिर्फ फ्रेंड समझते हैं या फ्रेंड से कुछ ज़्यादा समझते हैं या क्या है, तो देखिए आ गया है सामने कि वो क्या समझते हैं। सो आई होप आपको पसंद आई होगी आपकी रीडिंग। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, बताइएगा मुझे कमेंट में भी कि क्या इशू है एक्चुअली, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, बाय बाय। कैमरा ही हिल गया। चलो अब देखते हैं दूसरी पाइल को। हाँ मुझे ठीक है, ये वाले देखने थे, ओके ठीक है, ये वाला जो पाइल जिन लोगों ने चूज़ किया है, ऑल राइट, तो देख लेते हैं कि उनके क्या है फ्रेंड्स के मन में। चलिए क्या पॉपअप हो रहा है। ओके Five of Pentacles, the Empress, the World. Okay. Nine of Swords, the Magician and the Judgment. Okay. तो ये वाला पाइल जिन लोगों ने भी चूज किया है, तो आपकी जो फ्रेंड है कहीं ना कहीं आपको जब वो देखते हैं तो उनके माइंड में एक चीज़ आती है कि यही वो लड़की है जिसके लिए मैं सोचा करता था, जिसके लिए मैं ड्रीम किया करता था कि अगर मुझे शादी करनी हो तो मुझे इस तरीके की लड़की मिले, ठीक है। ये सबसे पहला सेंटेंस है मेरा यहाँ पर। और अब मैं शुरू करती हूँ कि वो आपके बारे में सोचते क्या है। ओके आपके जो फ्रेंड हैं वो आपको लेकर जब भी सोचते हैं तो सबसे पहले मैं ये वाला कार्ड देखूंगी, ठीक है। आपको लेकर जब भी वो सोचते हैं तो उनके माइंड में पहली चीज़ आती है कि आप कहीं ना कहीं अंदर से बहुत ज़्यादा उदास हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं।
लेकिन आपका ना नेचर क्या है, आपका नेचर ये है कि आप इन चीज़ों को दिखाते नहीं हो। आप ऊपर से इतने स्ट्रांग लगते हो, आप सबको प्यार करते हो, सबको देते हो, लेने के बारे में नहीं सोचते, बस देते रहते हो देते रहते हो, जिसकी भी लाइफ में जाते हो खुशियाँ फैलाते हो, ठीक है। और बदले में कहीं ना कहीं ना तो आपको उतना मिलता है और ना ही आप लोगों से मांगते हो। उसके बाद भी आप लोगों की केयर करना बंद नहीं करते, ऐसा वो सोचते हैं, ठीक है। अंदर से कहीं ना कहीं एक सूनापन सा है आपके मन में और वो ये चीज़ जानते हैं। ऊपर से देखने वालों को तो ये नहीं लगेगा कि आप अंदर से इतने तकलीफ़ में हो, परेशानी में हो, लेकिन वो जानते हैं, वो समझते हैं। हो सकता है आपने बताया हो या ना बताया हो, लेकिन उनको पता है कि आप अंदर से एक खालीपन सा महसूस करते हो, ठीक है। बहुत ही केयरिंग हैं आप। एक ये जो कार्ड है एम्प्रेस का, ये मदर को भी बताता है। तो हो सकता है आप मैरिड हो, ठीक है, एक मैरिड लेडी को भी ये इंडिकेट करता है। तो हो सकता है आप मैरिड हो, आपका बेबी भी हो, और ढेर सारी तकलीफ़ें भी हों आपकी लाइफ में, हमेशा कोई ना कोई तकलीफ़ बनी रहती हो, ठीक है। ये वर्ल्ड का कार्ड देखकर मुझे लग रहा है कि जैसे आपकी लाइफ में साइकिल्स चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। कभी मनी इश्यूज़ हैं, कभी फैमिली इश्यूज़ हैं, कभी अगर आप मैरिड नहीं हैं, अगर आप सिंगल हैं, स्टूडेंट हैं, तो भी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ एक फेयर जैसा चलता रहता है हमेशा। अगर आप सिंगल हैं तो आपके साथ होता होगा कि आपको एक पर्सन मिला और आप प्यार में पड़े और उसके बाद फिर वो छोड़ के गया, फिर दूसरा मिला फिर छोड़ के गया, या फिर हाँ वही चीज़ें मुझे लग रही हैं। जैसे आप एक साइकिल में हमेशा बने रहते हो और आपको हमेशा तकलीफ़ें मिलती रहती हैं, ठीक है। और ये पर्सन ये चीज़ जानता है, लेकिन उसके बाद भी आप होप्स नहीं खोते, ठीक है, आप होप्स नहीं खोते। आपका ईश्वर पर जो विश्वास है वो अटिक है। आपको ये लगता है अभी नहीं तो कभी तो वो होगा जो मैं चाहती हूँ। तो ये चीज़ ना इस पर्सन को आप में बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि लोगों का क्या होता है कि जैसे वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो ठीक है, अभी ईश्वर नहीं है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं है, मैनिफेस्टेशन भी नहीं है, ये कुछ नहीं है, तो वो चीज़ आपके अंदर नहीं आती। मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारी तकलीफ़ें आपको लाइफ में मिली हैं। हो सकता है आपके खुद के जो अपने घर वाले हैं, अगर आप मैरिड हो तो हो सकता है आपके मायके वाले भी आपके सपोर्ट में ना हो, आपके ससुराल वाले भी आपके सपोर्ट में ना हो, और सोसाइटी से तो फिर लड़ना ही लड़ना होता है। उसके बाद भी आपका जो नेचर है वो ऐसा है कि जैसे आप सबसे लड़ने को तैयार हो। आपको कहीं ना कहीं ये भरोसा है कि जो मेरे साथ होता है वो शायद अच्छे के लिए ही होता है, और मैं लड़ती रहूँगी, और एक दिन मेरे साथ जजमेंट होगा, एक दिन ईश्वर उन सारे ही लोगों को पनिश करेगा जिन्होंने मुझे हर्ट किया, और मुझे मेरी मेहनत का जो फल है वो मुझे मिलेगा। तो ये चीज़ उस पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है आप में। हाँ, मैं यहाँ कहूँगी कि लगाव तो है आपसे, बहुत ज़्यादा लगाव है। और मैंने पहले भी कहा था और फिर से वही चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है कि इस पर्सन को ये लगता है कि आप वो हो जिसकी वो कल्पना किया करते थे, समवन वेरी यूनिक, ओके। एक ऐसे लड़की, एक ऐसे पर्सन आप उनको लगते हो। और अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए भी मैं कहूँगी कि जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि फ्यूचर में फ्यूचर में अगर शादी करने की बात आती है तो वो आपको ही चूज़ करेंगे, ठीक है। ऐसी सोच उनके दिमाग में चलती है क्योंकि उन्हें ये लगता है कि आप उनकी मैनिफेस्टेशन हो। जिस तरीके से वो मैनिफेस्ट करते थे कि मेरी लाइफ में ऐसी लड़की होनी चाहिए, मुझे ऐसी लड़की मिलनी चाहिए, ऐसी लड़की मेरे घर को संभाल लेगी, मेरे बच्चों को संभाल लेगी, सब कुछ संभाल लेगी, तो जब वो आपसे मिले हैं ना तो उनको ये रियलाइज़ हुआ है कि आप वही हो, उनकी मैनिफेस्टेशन हो आप। इतनी स्ट्रांग कैसे हो सकती है कोई लड़की, ठीक है। ऐसी वाली सोच उनके मन में चलती है आपको लेकर,
ये कैसे किस तरीके से खड़ी रहती है जबकि इसकी लाइफ में इतने अप एंड डाउन्स होते हैं, और जब भी मैं इसको देखता हूँ तो ये फिर से एक पावर के साथ खड़ी हो जाती है, शक्ति है इसमें, गॉडेस है ये। तो ऐसी सोच उनके माइंड में चलती है आपके लिए। और क्योंकि सीधी सी बात है, मैं ये फ्रेंड्स पर रीडिंग कर रही हूँ तो उन्होंने आपको हो सकता है खुलकर अभी बताया नहीं है, लेकिन मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ ना, इन फ्यूचर वो आपको ज़रूर प्रपोज करेंगे, वो श्योर आपको प्रपोज करेंगे। बस उनको अभी मैं देख रही हूँ कि उनकी भी लाइफ में काफ़ी सारे इश्यूज़ चल रहे हैं, तो उन इश्यूज़ को सॉल्व करने के बाद में, अभी तो वो फ्रेंड्स की तरह ही हैं, मतलब फ्रेंड ही हैं, लेकिन आगे चल के इस फ्रेंडशिप का जो रूप है वो बदलेगा, ये पर्सन कहेगा आपसे। चलिए देख लेते हैं इनके लिए एनर्जी ओरेकल से क्या कार्ड्स हैं। चलो वही देखते हैं। एनवी, तो आई थिंक मैंने कहा ना कि एंड बॉटम ऑफ द डेक द थिंकिंग मैन, मैंने वही कहा था कि जब भी ये सोचते हैं तो इन्हें लगता है कि यही यही एक लड़की है जिसके साथ मुझे होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये एनवी कार्ड क्यों है, इसकी क्लैरिफिकेशन में मैं कार्ड और निकालूँगी। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ इस कार्ड को देखकर, जो चीज़ मुझे लग रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं आपसे काफ़ी सारे लोग जलते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे लोग आपसे जलते हैं कि इसको कितना भी तकलीफ़ दो, कितना भी इसको परेशान करो, लेकिन ये वापस खड़ी कैसे हो जाती है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं लोगों को जलाती है, आपको देखकर जलन होती है लोगों को। कमाल है, लेकिन फिर भी मैं क्लैरिफाई करूँगी, एक कार्ड और निकालूँगी आपके लिए। ओके, दैट्स व्हाट पता ही था मुझे, यही है। आप जो हमेशा आपका, मैंने कहा ना कि आप इतने तकलीफ़ में रहते हो, उसके बाद भी आप वही करते हो जो सही है और खड़े रहते हो, आपको लगता है कि जस्टिस मिलेगा। मैंने कहा ना ये कार्ड देखकर कि आपको लगता है एक ना एक दिन तो ईश्वर मेरे साथ जस्टिस करेगा, जजमेंट मुझे मिलेगा। तो वो चीज़ है, आपको लगता है कि जो हम करते हैं उसके लिए हमें उसका फल मिलता है, ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है ईश्वर के साथ में, ठीक है। तो वही चीज़ है, और पता नहीं जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है वो कितने तकलीफ़ में है, कितने परेशानी में है, लेकिन जो भी है, आपकी पाइल में जजमेंट का कार्ड आया है, और वो पर्सन भी जिसके बारे में आप पूछ रही हैं, वो पर्सन भी एक काफ़ी हेल्पिंग नेचर का है, आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो अगर आपको ये हेल्प करते हैं, आपके साथ रहते हैं, तो आप इन पे भरोसा करिए, ठीक है। और आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, गॉडेस लगते हो आप इनको, ठीक है, ईश्वर लगते हो, ईश्वर सबकी मदद करने वाले, सबके बारे में सोचने वाले, अपने बारे में ना सोचने वाले। सो मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है पाइल देखकर। सो ये रीडिंग था आपका, जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है। आई होप आपको पसंद आई होगी रीडिंग, अगर आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, बताइएगा मुझे कमेंट में आखिर इशू क्या है, और मैं अगर हेल्प कर पाऊँगी जितनी कर सकती हूँ उतनी करूँगी आपकी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय। तो चलिए अब हम तीसरा पाइल देख लेते हैं, जिन्होंने ये वाला चूज़ किया था, बेस्ट फ्रेंड। तो देख लेते हैं आपका जो फ्रेंड है वो आपके बारे में क्या सोचता है, जो भी ऑनलाइन फ्रेंड है। ओके
ओके, ये आपका जो ऑनलाइन फ्रेंड है ना, आपको बहुत स्टॉक करता है, बात ज़्यादा नहीं करता होगा, ठीक है, बात आपसे ज़्यादा नहीं करता होगा, आपको अच्छा लगता होगा ये फ्रेंड, लेकिन ये आपको स्टॉक ज़्यादा करता है, बात कम करता है, ठीक है। ऐसा फ्रेंड है, बात करना चाहता है, बहुत तेज़ भी है, पता नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है एक्वेरियस या फिर लिब्रा या जेमिनी, इनमें से कोई हो सकता है, क्योंकि एयर एनर्जी आ रही है। सो बात नहीं करता, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा देखता रहता है सोशल मीडिया पर, आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहता है, ठीक है। ही लव्स यू, ओके, ही लव्स यू, ही लव्स यू, ही लव्स यू सो मच। और ये आपके साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं, ठीक है, और इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। आई थिंक ये आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, आपसे सामने से बात करने से ज़्यादा ये दूसरों से आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये, मैंने कहा ना, आपके साथ एक फ्यूचर देख रहे हैं फैमिली का, ठीक है। आप इनको अपने सोलमेट के जैसे लगते हो, सोलमेट के जैसे लगते हो, तो ये अपना एक फ्यूचर देख रहे हैं आपके साथ में, और फ्यूचर मतलब समझ जाओ आप लोग, ठीक है, मैरिज करने का। तो इसलिए ये आपसे बात नहीं करते हैं, आपको ऐसे शो करते होंगे कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग विद यू, लेकिन ये आपके बारे में आसपास के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। आपके फ्रेंड्स देखते होंगे सोशल मीडिया पर, अगर आप फेसबुक पर है ये, अगर फेसबुक के थ्रू मिले हैं तो फेसबुक पर आपकी सारी पोस्ट देखते होंगे, अगर व्हाट्सअप हैं तो व्हाट्सअप के थ्रू, इंस्टाग्राम पर भी आपको फॉलो किया होगा, ठीक है, अगर फॉलो नहीं किया होगा, नो, फॉलो नहीं किया होगा, दूसरे अकाउंट से देखते होंगे, ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है। फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, लेकिन वो छिपा के रखी हुई है। मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन जब भी आपको देखता है ना, इस पर्सन को ये लगता है कि कैसे ये लड़की इतनी स्पेशल हो सकती है, कैसे किसी लड़की में इतनी सारी खूबियां हो सकती हैं। ये कार्ड देख रहे हो, ये देखिए किस तरीके से ये पेंटिकल्स दिख रहा है, तो ये पेंटिकल्स नहीं है, आपकी खूबियां हैं। तो काउंट करते कैसे कैसे किस तरीके से, जैसे ही आपने कोई पोस्ट डाला व्हाट्सअप पर या इंस्टाग्राम पर, अरे अरे इसको ये भी पता है, अरे इसको ये भी जानती है, तो इस तरीके की चीज़ें आती हैं। तो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं वो आपके बारे में जानने में। अगर आपको लगता होगा कि जब मैं बात करती हूँ तब तो इतना खुलकर बात नहीं करते, शांत शांत रहते हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है, तो शांत रहने का रीज़न वही है, वो पीछे से आपको, आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उनको ये लगता है कि आप उन पर से ध्यान हटा लो, ठीक है, नॉर्मल जैसे बात करते हैं ना वैसे बात करो, और उसके बाद जब आप खुलकर सामने आओगे सोशल मीडिया पर तब ये आपको देखेंगे। और एक चीज़ उन्हें ये भी लगती है कि शायद आप चीज़ें छिपाते हैं इनसे, खुलकर सारी चीज़ें नहीं बताते, ठीक है, ये चीज़ उनको लगती है। बातें करने में आप बहुत तेज़ हैं, बातें आप बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन सीक्रेट्स आप अपने नहीं बताते, ये चीज़ उनको लगती है, ठीक है। उन्हें कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि शायद आप उनसे प्यार करते हो लेकिन आप बताते नहीं हो, ऐसी वाली चीज़ें उनके दिमाग में आती रहती हैं, और इसी चीज़ का पता लगाने के लिए वो कभी ना कभी इस तरीके का स्नीकी बिहेवियर आपके साथ करते होंगे। कभी आपने मैसेज किया तो रिप्लाई नहीं किया, या जानबूझकर आपको इग्नोर किया, ठीक है, तो ये चीज़ें रहती हैं। बहुत ही खूबसूरत लगते हो आप उन्हें, ठीक है, ये कार्ड जो है ना बताता है कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हो आप उनको, और वो मतलब देख के ही रह जाते हैं कि क्या। और खूबसूरती से मैं फिर से वही कहूँगी कि कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मैं तो खूबसूरत नहीं हूँ, तो खूबसूरत का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आप फिज़िकली हमेशा बहुत खूबसूरत लगो, खूबसूरत तो आप किसी भी तरीके से लग सकते हो आपकी बातों से, ठीक है। और दूसरी बात, दुनिया में सारे ही लोग खूबसूरत हैं मेरी नज़र में, कोई बुरा नहीं होता, ओके, और ये इस तरीके की चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दो, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, वैसी नहीं हूँ, क्यों नहीं हूँ खूबसूरत, ईश्वर ने बनाया है आपको, फिर क्यों खूबसूरत नहीं हो, आप सारे ही लोग एंजल्स हो, समझ आई बात। अभी ये इस तरीके के कमेंट नहीं करना, बहुत मार लगाऊंगी, ठीक है। तो ये इस तरीके की फीलिंग्स रखते हैं आपके साथ, मैं फिर से बता दूं, आपको बहुत सुंदर देखते हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं आपके लिए, उन्हें थोड़ा ट्रस्ट इशू भी है, उन्हें ये लगता है कि शायद आपके कुछ सीक्रेट्स हैं आप बताते नहीं, बातें बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन बताते नहीं हैं, और ये पीछे पीछे आपको स्टॉक करते हैं, आपके सारी सोशल मीडिया पर इन्होंने नज़र रखी हुई है, मैं बता रही हूँ पूरी गारंटी के साथ, अगर अपने अकाउंट से नहीं तो दूसरों के अकाउंट से देखते हैं। प्यार बहुत करते हैं, आपको बहुत लविंग भी मानते हैं, आपको बहुत होशियार भी मानते हैं, बहुत बुद्धिमान मानते हैं, ठीक है, बहुत खूबसूरत लगते हो आप,
थोड़ा चाइल्डिश बिहेवियर लगता है, और कभी आप बहुत मेच्योर भी लगते हो, और कभी ऐसा लगता है कि जैसे आप एक माँ के जैसे इनको पैम्पर करते हो। जब आप इनसे बातें करते हो तो इन्हें ये भी लगता है कि ये इस तरीके से मुझे ट्रीट कर रही है जैसे मैं कोई नन्ना मुन्ना बच्चा हूँ, ठीक है, ऐसी वाली चीज़ें। तो इस तरीके की चीज़ें इनके माइंड में आती हैं आपके लिए, और इनके मन में आपके लिए क्या है, इनके मन में आपके लिए बहुत सारे फीलिंग्स हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, ठीक है, बहुत सारा प्यार है, बहुत कुछ है, और आपको एक तरीके से सोलमेट देखते हैं, कहते नहीं हैं लेकिन देखते हैं, और आपके साथ फ्यूचर भी देख रहे हैं। तो इन फ्यूचर मुझे लग रहा है कि आगे चल के कुछ ना कुछ तो कहेंगे ये आपसे, लेकिन पहले ही आपको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। हो सकता है आपका पर्सन लिब्रा हो, क्योंकि लिब्रा ऐसे करते हैं, उनका ये होता है नेचर। तो देखते हैं एनर्जी क्या है उनकी आपकी तरफ। देखिए मैंने कहा ना देखिए आ गया। तो और ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक, हैप्पी फैमिली, मैंने कहा ना वो आगे आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, देखिए आगे कार्ड। तो यही है, ओ लाइट चला गया। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया था। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल, रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट में बताइएगा। सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी वो भी मैं बता देती हूँ, लेकिन जिनके साथ हुआ है प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, बाय।